तो किसी स्टॉक के बारे में ये समझने के लिए कोई स्टॉक हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, मतलब वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, उसके लिए हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म पेग रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। पेग रेशियो बहुत ही यूज़फुल होता है यदि आप इसको सही से समझ पाएँ, इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ रियल वर्ल्ड में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा। इसके पहले हमने चाहे फेस वैल्यू देखा, चाहे बुक वैल्यू देखा, चाहे उसका पी देखा, ये सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल जो भी वहाँ दिए गए हैं आपको फार्मूले, वे सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए पेग रेशियो है। अगर हम इसको समझ जाएँ, इसको अंडरस्टैंड कर लें और इसका हम यूज़ करना सीख जाएँ रियल वर्ल्ड में, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हम एक अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पहले ये जानते हैं कि पेग रेशियो है क्या। मीन्स पहले हम लिटरली हम लोग जो डेफिनेशन है उसको जानेंगे, क्या है, कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर भी समझेंगे, फिर लास्ट में हम उसको देखेंगे कैसे, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस पेग रेशियो इन द रियल वर्ल्ड। मतलब मेजर प्रॉब्लम ये है, आप जान सकते हैं, बहुत आपको मिल जाएगा वीडियो आप जहाँ पेग रेशियो आपको पता चल जाएगा क्या है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि हाउ टू यूज़ दिस पेग रेशियो इन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स बिहाइंड दिस, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसके पीछे, हाउ टू यूज़ दिस पेग रेशियो, तो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेग रेशियो क्या है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखते हैं। तो सिंपली व्हाट इज पेग रेशियो, ऐसा क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर हम देंगे तो कहेंगे कि पेग रेशियो इज स्टॉक्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाई द ग्रोथ रेट ऑफ इट्स अर्निंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो सिंपली मतलब अगर हम इसको कहें पेग रेशियो क्या है, तो ये जो आपका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, उसका हम डिवाइड करते हैं फ्यूचर ग्रोथ के ईपीएस से। अब आप कहेंगे कि फ्यूचर ईपीएस कैसे निकाल सकते हैं, या यहाँ पर हम फ्यूचर ग्रोथ कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, तो यही पेग रेशियो में सबसे बड़ी यही जो है कॉम्प्लिकेशन है कि जो ये एस्टिमेटेड ग्रोथ होती है, जो फ्यूचर ग्रोथ होता है, मतलब ये ग्रोथ रेट हम एस्टिमेट करेंगे, केवल हम इसका अनुमान लगा सकते हैं एग्जैक्टली होगा क्या, इसके बारे में कोई भी डिसाइड, कोई भी डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस नहीं, 100% तो कोई चैलेंज ले ही नहीं सकता है किसी कंपनी का क्या, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, दिग्गज कंपनी हो, कि फ्यूचर में उसका ईपीएस क्या होगा, ईपीएस ग्रोथ क्या होगा। तो यदि हम जो व्यक्ति जितना ही ज़्यादा इस बात को सही से निकाल पाता है कि फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ क्या है, वो किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने में उतनी ही महारत हासिल कर सकता है। मीन्स इफ यू आर एबल टू नो द ईपीएस ग्रोथ ऑफ एनी कंपनी, देन यू फाइंड इन द प्रेजेंट टाइम दिस स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग फॉर चूज दिस स्टॉक और नॉट। मीन्स आप अगर ये जान, इस फॉर्मूले को आप अगर सही से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, सही से आप इसका एस्टिमेशन कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं, इसका यूज़ कर पाते हैं, तो आप डेफिनेटली ये निकाल पाएंगे कि कोई स्टॉक हमें बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए, कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। हाँ, बस एक प्रॉब्लम है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे स्टॉक पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा जो कि जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है, या जो हाई डिविडेंड यील्ड या हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लाइक दैट इज REC है, REC को आप चेक कर लीजिएगा, तो ये काफ़ी तगड़ा जो है और डिविडेंड देने वाली कंपनी है। ठीक है, अब पावर फाइनेंस PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको भी आप चेक करिएगा, इसका भी जो है डिविडेंड बहुत तगड़ा है। तो ऐसी कंपनियां जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है, और भी है, दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति को आप चेक करिएगा, इसका भी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है। तो अब ऐसी कंपनियां जिनका कि डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है, डिविडेंड ज़्यादा पे करती हैं, वहाँ पर ये मेथड, ये फार्मूला पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। बाकी कंडीशन में आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग अब एक रियल एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये पेग रेशियो है क्या, हम कैसे निकालेंगे, कैसे इसको हम कंपेयर करेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो हम एक रियल एग्जाम्पल, रियल मीन्स एक हम हाइपोथेटिकली एक समझेंगे, दो कंपनी ले करके हम उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करके समझेंगे। यहाँ पर हम लोग दो कंपनी लेते हैं, ये समझते हैं कंपनी ABC मान लेते हैं, इसको XYZ मान लेते हैं एक कंपनी है।
तो यहाँ पर जो इसकी प्राइस पर शेयर है 46 रुपीज़ चल रही है मार्केट में इस समय, और इसका जो शेयर है वो 80 रुपये का चल रहा है, 80 रुपीज़ का चल रहा है। इसका EPS 2.09 है, इसका EPS 2.67 है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा शेयर हम बाई करें। ये सेम कैटेगरी में होता है, हमेशा सेम पीयर में आप जो है ये कंपेयर करते हैं, मतलब ये दोनों कंपनियां सेम पीयर ग्रुप में हैं, सेम कैटेगरी में हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको देखने में तो हमें लग रहा है कि ये काफ़ी ठीक ठाक है, हमें बाई कर लेना चाहिए इसको, ये थोड़ा हमें महंगा समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम पैक रेशियो का यूज़ करके इसको समझ सकते हैं कि कौन सी हमें कंपनी इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न देगी। तो देखिए यहाँ पर इसका लास्ट EPS, लास्ट ईयर EPS 1.74 था और दिस ईयर EPS 2.09 हुआ है। इसका लास्ट ईयर EPS 1.78 है और प्रेजेंट टाइम में जो EPS है 2.67 रुपीज़ है। तो कंपनी ABC का हम यहाँ पर पहले पेग रेशियो निकालते हैं, तो पहले PE रेशियो निकालते हैं 22 आएगा, अर्निंग ग्रोथ रेशियो निकालेंगे तो अर्निंग ग्रोथ यहाँ निकालेंगे ये 20% के आसपास आया अप्रॉक्सीमेटली, आप देख लेंगे, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 2.09 इसका जो है पहले ये करंट टाइम का EPS है और पहले का 1.74 था, माइनस करके 1.74 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 20% लगभग आएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 20% के कुछ पॉइंट में आएगा, हम 20 इसको मान लेते हैं। तो इसका जो हमें पेग रेशियो हमें मिला वो 20% मिला, इसका पेग रेशियो हमें कितना मिला 20% मिला, नहीं सॉरी इसका पेग रेशियो हम निकालेंगे, तो इसका पेग रेशियो हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा। पेग रेशियो का फार्मूला जैसे आप जानते हैं कि इसका जो आ गया ये 22 इसका PE रेशियो है और इसका 20 जो है इसका अर्निंग रेशियो है, मतलब अर्निंग ग्रोथ इसका है, तो 22/20 कर देंगे, ठीक है, तो 1.1 के आसपास इसका जो है 1.1 के आसपास इसका क्या आ रहा है पेग रेशियो। पेग रेशियो इसका कितना है, इसका पेग रेशियो 1.1 आया। अब सेकंड कंपनी देखते हैं, यहाँ पर इसका पी रेशियो इसका देखेंगे तो ये 30 है और इसका हम अर्निंग ग्रोथ देखेंगे तो 2.67 माइनस 1.78, क्योंकि 2.67 इसका जो है ये EPS है प्रेजेंट ईयर का और लास्ट ईयर का 1.78 था, इसको माइनस करके अपन 1.7 × 100 50 अप्रॉक्सीमेट इसका 50 के आसपास 50% के आसपास इसका क्या आ रहा है इसका अर्निंग ग्रोथ रेट आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम इसका पेग निकालेंगे, पेग निकालेंगे क्या करेंगे, इसका हम जो पी रेशियो है उसको ले लेते हैं अपॉन जो है इसका जो ग्रोथ रेशियो आया है, अर्निंग ग्रोथ रेशियो जो आया है 30/50 कर देंगे 0.6, ये इसका पेग रेशियो आया है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि 1.1 ये पेग रेशियो ज़्यादा आ रहा है कंपनी ABC का कंपेयर दैट इस कंपनी के 1.6 इसका आ रहा है, तो डेफिनेटली हम ये एक एस्टिमेटर एक हम लगा सकते हैं अनुमान कि ये कंपनी हमें बेटर रिटर्न देगी इन द फ्यूचर, क्योंकि इसका ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी इसका ग्रोथ ज़्यादा है, इसका जो है पैक कम आया है और हमें ये पता मतलब हमें ये एस्टिमेशन हो रहा है कि इसका अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा है, इसलिए ये हमें फ्यूचर में अच्छा जो है रिटर्न देगी। तो हम इस पैक रेशियो के आधार पर कह सकते हैं कि कंपनी XYZ बेटर है कंपनी ABC से प्रेजेंट टाइम में बाई करने के लिए। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अब जो ये हमने ग्रोथ रेट निकाला है, इस ग्रोथ रेट के लिए हमने ये इसका लास्ट ईयर का EPS लिया है और ये भी यहाँ पर लास्ट ईयर का EPS लिया है, और हमने ये माना है जो ग्रोथ रेट इसका लास्ट ईयर का है वही ग्रोथ रेट अगर वो रिपीट करती है अगले ईयर में तब ये पेग रेशियो इतना आएगा। बात समझ रहे हैं कि ये जो EPS है इस लास्ट ईयर का EPS था और प्रेजेंट ये EPS ये है, इन दोनों के बीच में हमने रेशियो निकाल करके और ग्रोथ रेट निकाला है, तो यहाँ भी सेम वही ग्रोथ रेट निकाला है और इसी ग्रोथ रेट को हमने माना है कि कंपनी अगले वर्ष में भी अगले वित्तीय वर्ष में भी वह इसी ग्रोथ रेट को फॉलो करेगी, तब ये पेग रेशियो हमारा इस प्रकार से आ रहा है, हम इसके आधार पर समझ सकते हैं कि ये हमें शेयर बेटर देगा। हाँ यहाँ थोड़ा सा हमें ये परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें और अच्छे रिजल्ट लाने के लिए और अच्छे समझने के लिए कि कौन सा बेटर है, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि फ्यूचर अर्निंग्स किसी कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है वह क्या होने वाली है, जितना अच्छा आप इसको एस्टिमेट करेंगे। यहाँ हम जो EPS लास्ट ईयर का लिए हैं, ठीक है, इस जगह हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर EPS ले सकते हैं,
और ये करंट ईपीएस जो यहाँ पर ये है, इन दोनों के बीच में निकाल करके अब फिर हम पेग रेशियो का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये जो लास्ट ईयर का ईपीएस, इसको ना मान करके हम यहाँ करंट ईयर का ईपीएस लेते हैं 2.09, और हम एस्टिमेटेड ईपीएस निकालते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी करके, उसका एस्टिमेटेड अगर ईपीएस निकाल करके इस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा एग्जैक्ट हमें पता चल पाएगा कि कौन सा कंपनी हमें बेटर रिटर्न देगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर कोई कंपनी बहुत हेल्दी डिविडेंड दे रही है उसके लिए काम नहीं करेगा फार्मूला। तो हम ये देखते हैं कि यदि हम एस्टिमेटेड ग्रोथ निकाल लेते हैं किसी कंपनी का फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हम ये अच्छे प्रकार समझ पाएंगे कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अगर पेग रेशियो 1 है तो हम मान सकते हैं कि फेयर वैल्यूड है, वो जो ट्रेड कर रहा है जो वैल्यू वो फेयर है। अगर 1 से ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है, और अगर पेग रेशियो 1 से कम आ रहा है तो हम मान सकते हैं कि हमें उसको बाई करना चाहिए एकदम। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर कोई स्टॉक हमें सेलेक्ट करना है तो पेगी रेशियो का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बुद्धिमानी से उपयोग करें तो किसी भी शेयर को हम जान सकते हैं कि वह ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, हमें उसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इन फ्यूचर वो हमें ग्रोथ देगा कि नहीं देगा। तो आप अगर इसका यूज़ करना सीख लेते हैं तो किसी की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, आप खुद जान पाएंगे किसी कंपनी के बारे में कि हम ये फ्यूचर में ग्रोथ देगी कि नहीं देगी। आपको ये चीज़ें जो है शायद समझ में आई होंगी अच्छे से, लगता है कि वीडियो कुछ आपको ऐसा मदद करता है जिससे आप कुछ अर्न कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।